नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 10 फरवरी यानी कि गुरुवार को हुआ है। लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार 3% तक कम वोटिंग हुई है। ऐसे में क्या कहता है पश्चिमी यूपी का ट्रेंड, कौन यूपी की सत्ता में सत्तारूढ़ होगा, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हुई, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो इस बार पहले चरण में 58 सीटों पर 60.17% मतदान हुआ, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 64.56% वोटिंग हुई थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3% तक मतदान कम हुआ है। वहीं 2012 की बात की जाए तो 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.3% वोटिंग की गई थी। 2017 में 64.56% वोटिंग के साथ बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला और 15 साल बाद बीजेपी यूपी की सत्ता में वापस लौटी थी। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। आपको ये भी बता दें कि इस बार 11 जिलों में से 7 जिलों में पिछली बार के मुकाबले बम्पर वोटिंग हुई है, जिसमें हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल है। वहीं 4 जिलों में वोटिंग कम हुई है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़ भी शामिल है। मुजफ्फरनगर दंगे से जाट वोटर आरएलडी सपा से छिटकर बीजेपी के साथ चले गए थे, जिसका बीजेपी को लाभ तो विपक्ष को नुकसान हुआ था। वहीं किसान आंदोलन के चलते जाट और मुस्लिम मुजफ्फरनगर की खलिश भुलाकर साथ तो आए हैं, लेकिन वोटिंग में क्या एकजुटता रहेगी, ये तो 10 मार्च में ही साफ होगा। आपको बता दें कि 2017 में पहले चरण में जीते हुए 53 विधायकों में से 19 विधायकों का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया था, जबकि 34 सीटों पर पार्टी के मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो पिछला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे। इसके अलावा इस बार सपा और आरएलडी भी गठबंधन करके बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी है, जिसमें पहले चरण के 58 में से 29 सीटों पर आरएलडी और 28 पर सपा और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है। बहरहाल इस बार पश्चिमी यूपी में किसका परचम लहराता है और कौन पश्चिमी यूपी का इस बार सरताज बनता है, पश्चिमी की जनता किसे अपना प्रतिनिधि बनाती है, ये तो अब 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा। आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।